हो गया था इस चक्कर में, आज कुछ रात लग गई एडिट करने में, मोटा भी निकलना है। तो फ्रेंड अभी हो रहा है 1:16, आज हम लोग लेट है, वरना वैसे हम लोग 12:30 बजे निकलते थे, आज लेट हो गए कुछ काम की वजह से। भाई रात भर जागने के बाद बहुत तेज नींद आ रही है, तभी हम लोग जा रहे हैं कॉफी लेंगे। कैसे हो? पूरी रात बंदी ने भाई साहब लेट किया, पूरी रात। ये तुम्हारी दोस्त है वो, आप हमारा ब्लॉग देख रहे हो, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑन टाइम पहुंच गए स्टेशन, आधे घंटे पहले पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र था। और सामने से देखिए हमारे इंजीनियरिंग के जवान जा रहे हैं, चलिए भाई चलती आइए, आपका स्वागत है। हम लोग पहुंच गए स्टेशन और ट्रेन भी आ गई सामने। तुम अपने टेंट लगा रही हो, मॉर्निंग फ्लाइट हो गई सुबह 5:10 हो रहे हैं, हम लोग पहुंच गए स्टेशन आने वाले हैं, बस चलिए। मैंने फर्स्ट मेरा अपना सामान लगा लिया यहाँ पे सब कुछ, जल्दी आओ जल्दी, ये आ गया झांसी स्टेशन। उस साइड में लग रहा है प्लेटफॉर्म, वाह भाई वाह, इधर भी नहीं है, हमारा सूट के पहले ना उतर जाए, पहिए लगे बैठे खाना, आ गया प्लेटफॉर्म। सर्दी आने लगी हल्की हल्की यहाँ पे, ये देखिए फॉग सितंबर के महीने में कोहरा। फ्रेंड ये चीज तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ, इस मौसम में ऐसा फॉग कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल नबी की हो गई तैयारी स्टार्ट, हम लोग हरपालपुर में, तो अभी सालू की सभा की फरमाइश में हम लोग आज रात से होके आए, और बहुत सालों से ये रास्ते से नहीं आए थे, तो मेरा मन था कि जिससे हम पहले आते थे हमें वही रूट से आना है। ये देखिए यहाँ भी चल रही है मिलादुन नबी की तैयारियाँ, ठीक है ना, जा रहे अपने घर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हम लोग खैर खैरियत से घर पहुँच गए, अब आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, तो अभी सो के उठ चुके हैं, मिलादुन नबी के लिए लाइट वाला हमारा आ गया, चलते हैं लगवाते हैं। ये हमारी लाइटिंग का इंतजाम आ गया है, मिलादुन नबी के सामने लाइट अच्छा लगेगा, ईद मिलादुन नबी में कुछ तो होना चाहिए ना, लाइटिंग तो लगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब रात में ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, 8:42 हो गया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अम्मा से मिलने। इतने दिनों से आपने अम्मा जो मतलब मेरी नानी है उनको नहीं देखा होगा, बहुत सारे सवाल भी थे, वो कहाँ है कैसी है। चलिए मैं आपको उनसे मिला के लाती हूँ, और मैं भी मिलकर आती हूँ, बस मेहर और बेटी खाल आने वाली, क्योंकि आगे लगा है मेला, वहाँ भी हम घूमेंगे, झूला भी झूलेंगे, लेकिन हमारी कार नहीं जा पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थक गई हो बेटी खाल, इतने दिनों बाद घर खोला है ना, और हम लोग वहाँ नहीं आ पाए क्योंकि कार नहीं आ पा रही थी। ईद मिलाद नबी की डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है गलियों में, चलिए चलते हम लोग। अम्मा ही नहीं है, कैसी हो? मैंने थोड़ा पुसा था, रोमन का पालू भाई जी, हाँ साफ हो गया, अच्छा है। और क्या बनाया है खाने को? पालू खाने की सब्जी बनाई था, सालू आगे अच्छा लग रहा हो यार, मैं कहाँ घूम गया, सबको बता तो दो, इतने दिन कहाँ थी, सब पूछ रहे हैं। कहाँ बच्चा, कहाँ? चित्रकूट। हाँ चित्रकूट, सबने आपको बहुत याद किया, बहुत मैं याद कर रहा हूँ, तो बाजू मंगा हुआ क्या 2.5 किलो गो मत करो, अब सब कुछ देखो मदा कितनी मोहब्बत करती है, बता वही पढ़ाई कैसी चल रही है, कभी अच्छी चल रही है, ठीक ही चलती है, ले चालू ले जाइए, खा ला अब मैं चल रहा हूँ, अब मैं दोस्तों से जा रहा हूँ, हाँ वो जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। नहीं
अभी मैं रुकी हूँ, ठीक है? सही जा रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह। अम्मा की पेटी। हाँ, मैं फोन भूल गई थी। थैंक। कवर चेंज कर लिए, वो बहुत गंदा हो गया था। ये अच्छा भी लग रहा। अच्छा, अम्मा के यहाँ से मिलके आ गए हैं, बेटी खाला को ड्रॉप करने आए, अब जा रहे हैं, कल मिलेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। पौने 11 पे आए हैं आप, और फ्रेंड्स लाइट लग गई है। हमारे घर झंडा कल बनाएंगे, कुछ बनाने के लिए। अभी अभी जस्ट मैं बाहर से आया हूँ, और अब खाना खाएंगे हम लोग। मछली और लेकिन कौन आया था? फूड अच्छा लग रहा है तुम्हारा? थैंक यू। ऊपर वॉक करने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ लाइट देख के। आपको पता है मुझे लाइट कितनी पसंद है, और ये तो इतने अच्छे मौके पे जब लाइट लगती है, इसकी बात अलग होती है। ईद मिलादुन नबी है परसों, हमारे हुजूर की पैदाइश का दिन, जितनी खुशियाँ मनाओ उतना ही अच्छा लगता है। बहुत सालों बाद मैं मौदहा थी ईद मिलादुन नबी कर रही हूँ, जो हम लोग छोटे थे हम सब करते थे। अपनी फैमिली को भी मिस कर रही हूँ। मौदहा बहुत खुशी खुशी आती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है। इस बार मुझे आते वक्त इस बार थोड़ा इमोशनल लगा, क्योंकि वहाँ पे भी ना सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल है, तो मैं हमेशा वहाँ पे घर डेकोरेट करवाना, अम्मी के साथ चूड़ी लेने जाना, अच्छा खाना, ये सब। तो अम्मी थोड़ा इस बार अकेली है, वैसे भाई भाभी हैं उनके पास, लेकिन थोड़ा मुझे याद आ रही थी उनकी। लोग गर्मियों की छुट्टी में आते थे तब हमें ईद मिलादुन नबी यहाँ पे पढ़ते थे, तो पापा तो जॉब जाता था बैंक का, तो पापा हम लोग को छोड़ के वापस चले जाते थे ये फेस्टिवल के लिए। पापा मौदहा आ जाते थे, और हमें भोपाल से कपड़े भी लेके आते थे। अम्मा की छत पे सो रहे होते थे, तो पापा आके जगाते थे कि उठो मैं आ गया हूँ। तो पापा की खुशी तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बैग खोलने जाते थे पापा का कि क्या कपड़े लेके आए। पापा की चॉइस बहुत अच्छी है, बचपन में हमने पापा की चॉइस से कपड़े पहने। सबकी बहुत सारी याद आ रही। और एक मेमोरी और है, बच्चों आमों भी होते थे और भाई हम लोग झंडा बनाते थे, तो वो भी बहुत याद आ रहा है। मैं छोटी थी तो मुझे ज्यादा कोई भाव नहीं देता था, लेकिन अब पीछे पीछे लग गया कि मुझे भी झंडा बनाना। इस बार कोई बात नहीं है, हम तुम्हें पूरा पूरा भाव देंगे और झंडा बनाएंगे, ठीक है? ये लोग पीठा बनाने जा रही हूँ, ऐसे ही टाइम पास वाला ब्रेड ले लिया हमने, घी ले लिया है, और ये नटेला ले लिया, न्यूटेला या नटेला जो भी बोलते हैं। पता है पता मैं क्या कर रही हूँ आज? पता है जब मैं इधर आ जाता हूँ तब रिजा रेहान मुझसे ऐसी चीजें ऑर्डर कराते हैं जिसका मेरा बहुत ज्यादा मन होता है। तो आज उसने मुझे कहा कि मुझे वॉफल ऑर्डर कर दो। वॉफल आप सबने खाए होंगे, इसकी फोटो मैंने यहाँ पे लगाई है। अब यहाँ पे मेरा भी मन कर गया थोड़ा सा खाने का, अब नहीं मिल सकता, तो मैंने सोचा मैं देसी जुगाड़ निकालती हूँ, तो उसके लिए मैं सारी चीजें लेके आई। वॉफल लवर्स आप लोग प्लीज, मतलब ये मत कहना कि मैंने आपकी वॉफल्स का मतलब क्या कबाड़ा निकाल दिया है। इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। हमारे किचन में फ्रेंड्स आवाज पहुंचती थी ना, इसलिए हमने इसके लिए माइक ले लिया था, हमने आपको दिखाया था, बहुत यूजफुल है। अब इसका आवाज कैसी आ रही है वो तो आप सभी बता पाएंगे। बन गए फ्रेंड्स वॉफल जले हुए। Assalamualaikum.
थे और उसने मुझे बड़ी खुश हुई कि मैंने ये पैर में पहनी हुई है, लेकिन ये मैंने थोड़ी सी गलत मोड़ी थी ना, गलत मोड़ दिया था तो मेरे पैर में बहुत चुभ गई थी। इसको हाँ सीधा तो नहीं चुभती, अब सही हो गई है ये सरप्राइज।